अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जीवन में हमेशा अपने से बड़ों की बात का पालन करना चाहिए, यही तो है। यहीं से सुंदरकांड, उसी का जीवन सुंदर होता है जो अपने गुरुजनों से सलाह लेते हैं, अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं। और कोई भी काम करने के पहले, कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 लोगों से डिस्कस करना चाहिए। कितने लोगों से? 10 लोगों से पूछ लो। 10 लोग से पूछोगे तो 10 प्रकार की बातें होंगी, उनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारी सीख, तुम्हारी समझ ही तो बढ़ेगी, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। भाई एक आदमी ने, तुमने कहा कि हमें फैक्ट्री डालना है, बिजनेस करना है, 10 लोगों से पूछो क्यों भाई डालें फैक्ट्री, वो कहेगा ना मत डालो, कोई कहेगा हाँ डालो अच्छा है, कोई कहेगा ये वाली नहीं वो वाली डाल लो। आपने 10 लोगों से पूछा तो 10 लोगों का अनुभव, 10 लोगों का अनुभव, ज्ञान आपको तुरंत प्राप्त हो गया बिना खर्चे के, बिना पैसे के। अब उसमें से आप देख लो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, वो लेके बाकी डिलीट कर दो और बस आगे बढ़ो। जीवन में वही सुखी है जो विचार से काम कर रहा है। आपको पता है बड़े बड़े लोग जो सफल लोग हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं तो अपने समझदार लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं, भाई ये काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है, ये करें कि ना, इसमें अपना सुझाव दो, अच्छा या बुरा दोनों पक्ष रखो, इसके क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे, दोनों पहलुओं पर हमें विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों पहलुओं पर विचार करके आगे चलता है वह सफल ही होता है। असफल वह होते हैं जो दोनों पक्ष को कभी सोचकर देखकर नहीं चलते। यदि हम ये देखें कि इसका फायदा क्या है, तो एक बार हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका नुकसान होगा तो इसका क्या नुकसान होगा। दोनों पक्षों को सोचकर ठोस निर्णय लेना चाहिए, बहुत गंभीरता गहराई से सोचकर फिर डिसीजन लेना चाहिए।